पातुरी, भेटकी फिश पातुरी। किसी भी दिखाने के पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, क्या रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल बटन होता है वो भी क्लिक कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए मेरी वीडियो देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रेसिपी लेके। मेरी गार्डन से मैं लौकी के पत्ते लेके आ गई हूँ, और ये लौकी के पत्ते के बहुत सारे रेसिपी होता है, तो आज मैं एक नॉन वेज रेसिपी दिखाऊंगी। ये नॉन वेज होगा, एक फिश के रेसिपी होगा, और ये मैं ही बनाऊंगी भेटकी, बंगाली भेटकी फिश के, जो बासा टाइप का फिश होता है, और इसके फिलेट बना के मैं बनाऊंगी। इसीलिए बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि बोन के साथ बच्चे को कुछ खाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं फिलेट बना के फिलेट के साथ बनाऊंगी। और आप ये रूही फिश के साथ, हिलसा फिश के साथ, सीन के साथ, किसी भी फिश के साथ बना सकते हो, पर मैं आज बना रही हूँ जो भेटकी बासा टाइप के जो फिश होता है उससे, और इसका मैं फिलेट बना के बना रही हूँ। और लौकी के पत्ता से मैं बना रही हूँ, ये लौकी के पत्ते की जगह आप केले के पत्ता और जो कोचू पत्ता बोलते हैं तो उससे भी बना सकते हो। इसका नाम है भेटकी पातुरी। मैं गार्डन से लौकी के पत्ते काट के लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाई। पत्ता अच्छा से धो लीजिए, धोने के बाद उसका पानी भी सूखना चाहिए, तो अच्छा से फिर कुक होगा वो। पत्ते में अभी मैं मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी, तो सारे पत्तों में मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी मैं। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो, पर हम लोग बंगाली लोग जब फिश बनाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं मस्टर्ड ऑयल लगाना। तो और अभी मस्टर्ड जो पाउडर है, या आप लोग पेस्ट भी बना सकते हो, तो मैं मस्टर्ड पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मस्टर्ड पाउडर में मैं पानी मिक्स करके एक ऐसे मिक्सचर बना लिया, तो ये थोड़ा थिक मिक्सचर होगा। और आप, फिर से बोल रही हूँ, आप पेस्ट भी बना सकते हो। अभी ये भेटकी फिश में मैं सॉल्ट ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो ये भेटकी फिश अच्छा से मैरिनेट करके आप लोग पहले भी रख सकते हो, और आप लोग ऐसे तुरंत करके भी, मैरिनेट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करती हूँ 15-20 मिनट्स पहले ऐसे मैरिनेट करके रखती हूँ। और जो मस्टर्ड का पेस्ट बनाई थी अभी, उसको मैं 10-15 मिनट्स बाद वो थोड़ा नरम हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूँगी, तो इससे बहुत टेस्ट होता है। अगर आप ज़्यादा ऑयल प्रेफर नहीं करते हो तो ये ऑयल आप स्किप कर सकते हो, पर मैं अभी रेसिपी दिखा रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। तो अभी सब कुछ रेडी है, तो मस्टर्ड पेस्ट है, और यहाँ पे सॉल्ट, चिली पाउडर, जीरा पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और जो ग्रीन चिली होता है वो मैं काट के रख दिया, और यहाँ पे थ्रेड रख दिया। आप थ्रेड की जगह टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे पत्ते में ऑयल लगा दिया। अभी जो ये मसाला मैंने दिखाया, ये मैं मस्टर्ड जो पेस्ट था उसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा और हाफ स्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ऐड करके अच्छा से एक पेस्ट बना लूँगी। तो ये हो गया रेडी। अभी जो बाकी स्टेप है वो दिखाती हूँ। तो जो मैरिनेटेड फिश था, सॉल्ट लगा के जो रख दिया था पहले, वो इसमें रखूँगी, अच्छा से ऐसे उसमें मस्टर्ड मिक्सचर लगा दूँगी। उसके बाद वो जो लौकी के पत्ता था जिसमें मैं ऑयल लगा के रख दिया था, वो पत्ते में रखूँगी, उसके ऊपर एक चिली रख दूँगी, और ऐसे पत्ते फोल्ड कर दूँगी। पत्ते फोल्ड करने के बाद आप लोग यहाँ पे टूथपिक भी लगा सकते हो, पर कभी कभी टूथपिक लगाने से खुल जाता है, इसीलिए मेरी मम्मी करती है, इसीलिए मैं भी करती हूँ। मैं हम लोग थोड़ा सा थ्रेड बांध देते हैं। तो अच्छा से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इधर उधर से थ्रेड बांध रही हूँ, जैसे पत्ता खुल ना जाए, तो ऐसे बांध देंगे तो हो जाएगा। तो आप थ्रेड थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, और छोटा छोटा दो थ्रेड भी बांध सकते हो। ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ का थ्रेड है, इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि बाद में मैं दिखा दूँगी ये थ्रेड को लेके क्या करना पड़ता है। हो गया ये रेडी। तो आप सॉल्ट मैरिनेटेड फिश लीजिए,
मस्टर्ड जो मिक्सचर बना है उसमें डिप कीजिए और लौकी के पत्ते के अंदर रखिए, एक चिली दे दीजिए और अगर बच्चे खाएंगे तो चिली स्किप कर दीजिए और या आप लोग कुक होने के बाद ये चिली खोल के निकाल दीजिए क्योंकि बच्चे के मुंह में, पर हम लोग बड़े भी तो खाते हैं तो चिली बहुत टेस्ट होता है, इसके अंदर जो चिली रहता है वो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो सारे मैंने बांध लिया, आप देखिए अगर जो पत्ता अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ तो थोड़ा सा थ्रेड ज़्यादा बांध दीजिए, अगर अच्छे से हो जाए तो कम बांधने से हो जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे आप लोग टूथपिक भी यूज़ कर सकते, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थ्रेड ही पसंद होता है, हैंडल करना मोर इजी होता है। तो सारे कुछ बांध लिया, अभी मैं दिखाऊँगी कि इसके बाद क्या करना है। अभी एक बड़ा बोल में और जो हाड़ी होता है उसमें पानी ले लीजिए, उसके ऊपर ऐसी एक छलनी दे दीजिए और उसके ऊपर ऐसे ये जो बांधा हुआ भेटकी फीस है लौकी के पत्ते में बांधा हुआ वो रख दीजिए। तो ये गैस ओवन भी मैं कर रही हूँ, गैस ओवन के ऊपर पानी भर के एक बोल रख दिया बड़ा सा, उसके ऊपर ऐसे ये झांझरी रख दिया और झांझरी के अंदर ये फीस रख के ढक दिया। अभी मैं हाई फ्लेम में कुक करूँगी, ये देखिए एक साइड कुक करने में 10 से 15 मिनट्स लगेगा। तो अभी कुछ नहीं करना है, देखिए ये अभी बॉयल हो रहा है तो देखिए इसके कलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही कलर जब चेंज हो गया तो आपको पता चल जाए देख के, तो ऐसे पत्ता कुक हो गया पता चलेगा तो आप तब ऐसे दूसरे साइड ऐसे कुक करने के लिए चेंज कर दीजिए। तो मैं भी सारे चेंज कर दूंगी, तो एक साइड 15 मिनट्स कुक करने के बाद दूसरे साइड चेंज करने के बाद और 15 मिनट्स रख दीजिए। ये भेटकी फीस बहुत नरम होता है तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है और इतना कुक होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। देखिए आप लोगों को पता चल रहा है ना कि लीप के कलर से कि ये कुक हो गया, तब थोड़ा अलग से ग्रीन था। तो अगर आप लोगों को लगे कि अभी तक कुक नहीं हुआ मोर कुक कर लीजिए, ज़्यादा टाइम रख लीजिए कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही भेपर में ही कुक हो जाएगा। तो अभी मैं नाइफ से दिखा रही हूँ कि देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो गया, सारी फीस कितना सॉफ्ट ये हो गया कि नाइफ लगाने से अंदर जा रहा है, ये फीस मुंह के अंदर पूरा पिघल जाता है, बहुत बहुत टेस्टी होता है और हमारे घर में तो सब लोग पसंद करते हैं ये। तो मैंने इसीलिए सोचा कि गार्डन में अगर लौकी के पत्ता आया है, लौकी साग आया है, तो मैं पहले यही रेसिपी दिखाऊंगी कि ये सबका फेवरेट होता है। तो ये रेडी हो गया है अभी, तो इतना खुशबू आ रहा है इससे क्या बताऊँ, टेस्ट तो मुझे पता है अच्छा होगा क्योंकि हम लोगों को ये बहुत पसंद होता है। और ये देखिए कितना इजी रेसिपी है ना। तो अभी मैं ये जो थ्रेड था वो काट रही हूँ, ऐसे कभी कभी होता है कि प्लेट में भी दे सकते थ्रेड के साथ पर बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इसलिए आपको काट के दिखाऊंगी और मुझे दिखाना है कैसे लौकी के पत्ते के अंदर से आप चिली निकल के बाहर रखोगे क्योंकि बच्चे को आप अगर दोगे तो चिली के साथ नहीं दे सकते हो। और मैं बोलूँगी चिली अंदर आप दे दो कुक करने के टाइम, क्योंकि चिली में, ग्रीन चिली में विटामिन सी होता है तो वो फिश के अंदर जाएगा, पर बहुत छोटा बच्चा है तो आप वो चिली स्किप कर दीजिए। तो अगर से एडल्ट लोग खाएंगे तो वो लोग चिली खा सकते हैं, तो बहुत टेस्ट आ जाता है चिली में। तो अभी मैंने दिखा रही हूँ कि सारे लौकी के जो पत्ता था जो मैं बांध के रखा था उसके अंदर से मैंने सब थ्रेड काट के हटा दिया। अभी मैं दिखाऊंगी खोल के ये ऐसे कैसे कुक हुआ और दिखाऊंगी कैसे आप लोग ऐसे खोल के थोड़ा सा चिली हटाएंगे। देखिए चिली ऊपर ही है तो आप चिली फेंक दीजिए और देखिए ये कितना अच्छा कुक हुआ, वाओ सो यामी, मेरे देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप अगर बंगाली हो बनाइए, और अगर आप बंगाली ना हो फिर भी बनाइए। और ये मैं भेटकी फिश के साथ बनाई, फिलेट के साथ बनाई, आप कोई भी फिश के साथ बना सकते हो। ये बहुत फेमस है हिलसा के साथ, श्रिम के साथ और भेट के साथ। तो हम लोग पातूरी खाते हैं तो यही तीनों फिश के ही बनाते हैं। तो यही है रेसिपी, कैसा लगा ये रेसिपी, और बाद में मैं शेयर करूँगी गार्डन से लेके आऊँगी लौकी के पत्ते, लौकी के जो स्टेम्स होता है तो जो बंगाली में बोलता है लाओ शाक।
शाक होता है। तो लाऊ, बंगाली में लौकी को लाऊ बोलते हैं, कर्ड को लाऊ बोलता है। और वो लाऊ के शाक के बहुत सारे रेसिपी होता है, जो भेज भी होता है, नॉन भेज भी होता है। तो जो वेजिटेबल्स, जो भेज होता है वो भी मैं दिखाऊंगी, नॉन भेज भी दिखाऊंगी। आज सिर्फ एक फिश करी दिखाई जो बहुत फेमस है, और ये आप कोई भी फिश से बना सकते हो। फिर से मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।